बार बार हम लोगों को धमकी दिया जाता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, और फिर कभी अटेंडेंस काट दिया जाता है, कभी नाइट में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाता है। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी क्षेत्र के एनटीपीसी स्थित स्थानीय युवाओं को कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता, जिसके बाद देर रात्रि एनटीपीसी में कार्यरत मजदूरों ने बाहर निकलकर हंगामा करते दिखे। मजदूरों ने बताया कि जब तक हमारे 11 साथियों को कंपनी में नहीं रखा जाएगा तब तक हम लोग काम पे नहीं जाएंगे। और तस्वीरें अभी रात्रि का अभी अपडेट अभी आपको बता रहे हैं, प्रकाश न्यूज लाइव पर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं एनटीपीसी के मुख्य द्वार पर मजदूरों ने डेरा डाल चुके हैं, जो अपडेट अभी आपको प्रकाश न्यूज लाइव पर देखने को मिल रहा है। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर एक खबर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। अभी रात्रि 11 बज रहे हैं, अभी का अपडेट सबसे पहले कांटी एनटीपीसी के पास से प्रकाश न्यूज लाइव दिखा रहा है। आगे क्या कुछ मजदूर बोल रहे हैं सुनिए। धूल फाक करके, गर्दा फाक करके यहाँ ड्यूटी किया गया, उस सबको कहता है हटा देंगे। 81 आदमी हम लोग चाहिए, 81 आदमी हैं, हम लोग 81 आदमी मौजूद रहेंगे। समस्या ये है कि आज पता चला कि जो से जो मजदूर बिजली उत्पादन करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनको एक बैग बिना नोटिस के, बिना सूचना के, बिना इन्फॉर्मेशन के हटाने का सूचना सभी व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। 81 आदमी थे, जिसमें 70 आदमी का ही रिन्यूअल नाम भेजे हैं कि रिन्यूअल होगा, 11 आदमी को नहीं बनाया जाएगा गेट पास। ऐसा इसी पर सब मजदूर मिल के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मजदूर सब पूरा रो रहे हैं, बहुत मजदूर बेहोश हो गए हैं ये सूचना सुन के, क्योंकि बहुत दिनों से 2010 से काम कर रहा है, 2008 से काम कर रहा है, जी मैनेजमेंट का एनटीपीसी प्रबंधन का लापरवाही है। बार बार धमकी दिया जाता है कि निकाल दिया जाएगा, नहीं रखा जाएगा। अभी तक कोई सूचना नहीं है कि रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। फिर ले लिया जाए, मामला खत्म। बिजली का उत्पादन निगम लिमिटेड का मार्च में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ, जो कि 104% PLFI पे पहुंच गया था। और हम लोगों कोरोना काल में पुलिस से मार खा करके रात में, दिन में, बारिश में हमेशा यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई कोई आदमी 10-15 साल से कंटिन्यू काम कर रहा है, लेकिन उसको जो है सो इस काम से निकाला जा रहा है बिना नोटिस का, बिना इन्फॉर्मेशन का। जबकि कोई भी आदमी प्राइवेट जॉब में करता है तो उसको कम से कम पहले टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है, उसको काउस दिया जाता है, उसको 3 महीने का एडवांस सैलरी। हम लोग यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड जो NTPC का ज्वाइंट वेंचर, हम लोग उसमें है। क्या बोला जाता है? बार बार हम लोगों को धमकी दिया जाता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, और फिर कभी अटेंडेंस काट दिया जाता है, कभी नाइट में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाता है। अभी क्या समस्या है? और अभी ये समस्या है कि हम लोगों को बिना नोटिस का, बिना काउच का हम लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। 11 आदमी को टोटल, हम लोग 81 आदमी थे, जिसमें से अब 11 आदमी को बाहर कर रहा है। तो हम लोगों का मांग यही है कि हम लोग को लिखित रूप में दे कि आप लोगों को 81 आदमी का गेट पास रिन्यूअल होगा, तब उसके बाद हम लोग फिर से हम लोग अपने कार्यकाल पे हाजिर हो जाएंगे, और नहीं तो फिर बिजली का उत्पादन ठप कर दिया जाएगा। 11 लोगों को इसका कोई कॉज नहीं है, कोई कारण कुछ भी नहीं बतलाया गया। 811 हटाएगा, आज 11 हटाएगा, कल 20 हटाएगा, परसों 30 हटाएगा, ऐसे कर करके टोटल ऑपरेटर को यहाँ पर से CHP से आउट कर दिया जाएगा। और बोलता है बाहरी आदमी से ला करके हम सिस्टम करवाएंगे, बाहर के आदमी से काम कराएंगे।